कोरोना की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने हर स्तर पर सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज भोपाल के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना महामारी के संभावित खतरे से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे ये मॉक ड्रिल शुरू हुआ। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सुबह हमीदी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट की भी टेस्टिंग की गई और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था है। मध्य प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति से निपटने की तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट ठीक तरीके से चल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में 43,000 बेड उपलब्ध है। फिलहाल मध्य प्रदेश में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोविड कंट्रोल में है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दावे किया कि प्रदेश के सभी जिलों में पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं। प्रदेश में हमारे जितने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी की हर व्यवस्था की मॉक ड्रिल की है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, आईसीयू बिस्तर हो, पीकू हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर हो, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, उन सब की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें उसको लेकर एक प्रॉपर मॉक ड्रिल की है। और यदि कहीं कोई कमी रही है तो उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं।